Hello friends, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn how we can have a conversation in a hotel while ordering or asking for food. So, आप में से बहुत सारे लोग कई बार 3-star, 5-star होटल में गए होंगे एंड वहाँ पर जाने के बाद आपको दिखा होगा कि जो माहौल है सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं. इवन वहाँ के जो वेटर्स हैं, क्लीनर्स हैं, सारे ही लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं. उस टाइम पर आपको रियलाइज़ होगा कि काश आपने भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लर्न किया होता, कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस जिसका यूज़ करके आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोल पाते. तो आज का जो वीडियो है वो उसी चीज़ का सोल्यूशन है कि आप कैसे सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल इंग्लिश बोलकर, ज़्यादा टफ इंग्लिश ना बोलकर, आप अपना जो इम्प्रेशन है और आपका जो काम है फूड ऑर्डरिंग करने का, फूड को खाने का ऑर्डर करने का, वो आपका बिल्कुल स्मूथली चलता रहे. सो लेट्स सी द कन्वर्जेशन एंड इसमें से बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनको आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है ताकि ऐसा सिचुएशन जब आप आए तो आप बिना हिचकिचाहट बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ में इंग्लिश बोल पाए. सो आप बैठ जाते हो टेबल पे एंड वेटर आता है. वेटर आकर आपको बोलता है हेलो. हेलो यानी कि हम इंग्लिश में उससे ग्रीटिंग करते हैं, जैसे हम हिंदी में नमस्ते बोलते हैं, कुछ उस तरीके से. फिर वेटर आपसे पूछता है डू यू वॉन्ट ब्रेकफास्ट सर, यानी क्या सर आपको क्या नाश्ता चाहिए. अब देखो आप यहाँ पर डू को हटाकर, यू को हटाकर आप ये भी बोल सकते हो आई वॉन्ट ब्रेकफास्ट, यानी कि आप वेटर को बोल रहे हो कि मुझे नाश्ता चाहिए. यहाँ वेटर आपसे पूछ रहा है डू यू वॉन्ट, यानी कि क्या आपको चाहिए. अगर आप ये बोलना चाहते हो कि मुझे चाहिए तो आप बोलोगे आई वॉन्ट ब्रेकफास्ट. सर यहाँ से आपको हटा देना है. सर यानी कि हम जब अपने से किसी सुपीरियर इंसान को, बड़े व्यक्ति को आदर देते हैं तो उसे हम सर कहते हैं, जैसे हम हिंदी में श्रीमान कहते हैं. कस्टमर यस प्लीज़, यानी कि जी कहिए, मुझे बताइए कि क्या क्या आपके पास है. वेटर आपसे पूछता है व्हाट डू यू वांट सर, सर आपको क्या चाहिए. अब यहाँ पर अगेन व्हाट डू यू को हटाकर आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, कुछ इस तरीके का सेंटेंस बना सकते हो आई वॉन्ट और उसके आगे आपको जो कोई भी डिश चाहिए उसका नाम लगा सकते हो, जैसे कि आई वॉन्ट शाही पनीर. कस्टमर बताता है आई वॉन्ट अ सेट ऑफ डोसा. कस्टमर बोल रहा है कि उसे दो डोसे चाहिए, सेट यानी कि दो. एनीथिंग एल्स सर, एनीथिंग एल्स यानी कि वो पूछ रहा है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या आपको. कस्टमर बोलता है नो ब्रिंग द बिल, यानी कि उसका खाकर हो गया है. वो वेटर को बोल रहा है प्लीज़ ब्रिंग द बिल, यानी कि हमारा जो खाना था, नाश्ता था, वो हमने कर लिया है, अब हमें कुछ ऑर्डर नहीं करना है. तो आपको सिंपली क्या बोलना है वेटर को, वेटर प्लीज़ ब्रिंग द बिल. कस्टमर दिस फूड इज़ डिलीशियस. डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, फूड यानी कि खाना. तो आप खाना वहाँ खा लेते हो, आपको खाना बहुत ही पसंद आता है तो आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो दिस फूड इज़ डिलीशियस. अब यहाँ पर इज़ जो आपने लगाया है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है. मानिए कि आपने खाना खाकर होटल से आप निकल गए हो और अपने फ्रेंड्स के सामने उस होटल की तारीफ़ कर रहे हो, तो आपको इसको हटा देना है क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होता है. अब इसके जगह पर हम पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे वॉज, तो ये हो जाएगा दैट फूड वॉज डिलीशियस, यानी कि वहाँ का जो खाना था वो बहुत स्वादिष्ट था. दिस यानी कि ये होता है, जब आपके सामने वो होगा तब आप बोल सकते हो कि ये खाना बहुत स्वादिष्ट है. लेकिन जब आप खा चुके हो, खाना आपके सामने नहीं है, तो आप बोलोगे कि वो खाना बहुत स्वादिष्ट था, यानी कि दैट फूड वॉज डिलीशियस. ये तारीफ सुनकर वेटर बोलता है थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो इवन आप भी शब्द जो है, ये वाक्य जो है, वो वेटर को बोल सकते हो थैंक करने के लिए. वेटर ने जो आपको सर्विस दी है उसके लिए वेटर थैंक यू वेरी मच, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो ये थे कुछ कॉमन सेंटेंसेस जिनका यूज़ आप किसी भी रेस्टोरेंट में कर सकते हो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपका वेट कर रहे हैं प्लेलिस्ट में. कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और भी किस तरीके की वीडियोज़ चाहिए. Thanks for watching and stay tuned with the channel for more such videos.